चले भाई, तो आज का हम टेस्ट प्रेजेंट कर देते हैं आपको। आज जो मैं वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ, एक तरीके से आपका ग्रुप डी के लिए टेस्ट ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, आपको ग्रुप डी में पूछे भी गए हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर क्वेश्चन अच्छे, आप पूरी कोशिश करिएगा, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा इसमें, आपको मैं क्वेश्चन बताऊँगा, आंसर बताऊँगा, ताकि जल्दी जल्दी आप एक तरीके से टेस्ट दे सकें, ठीक है। तो सबसे पहले, व्हेन वॉज द वर्ल्ड हार्ट डे एंड वर्ल्ड टूरिज्म डे से ऑब्जर्व, विश्व हृदय दिवस और विश्व पर्यटन दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखिए, वो किया जाता है आपका सितंबर 19 और सितंबर 27। 29 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं हार्ट डे, और विश्व पर्यटन डे सेलिब्रेट किया जाता है आपका कब? 27 सितंबर को, ध्यान रखिएगा। जबकि अगर नेशनल पूछा जाएगा पर्यटन डे, तो वो 25 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं, पूछा गया है कई बार, आप तो ध्यान रखिएगा। वहीं अगर पूछा जाएगा कि भारत में हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए किसे जाना जाता है, तो वी वेणुगोपाल को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। जबकि अगर पूछा जाएगा विश्व में हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है क्रिश्चियन बेनार्ड को, ठीक है। किसको जाना जाता है? क्रिश्चियन बेनार्ड को। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सितंबर 29। देखिए, यहाँ पर डिटेल्स भी दी गई है, 29 सितंबर को हम वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली लोगों के हार्ट एलिमेंट्स को और होल रेंज एसोसिएटेड विद द हेल्थ इश्यूज, ड्राइंग पीपल अटेंशन, पीपल के अटेंशन के लिए, ठीक है। प्लस टूरिज्म सितंबर 27 को प्रेजेंट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसका मेन उद्देश्य जो होता है, वो पर्यटन के लिए एक सुरक्षित और जो है आपका एक जो भी इक्विटेबल क्लाइमेट फ्रेंडली वे जो बनाया जा सके उसी के लिए बनाया जाता है। हाइपरट्रेमिया से पीड़ित लोग को, व्यक्ति को क्या सलाह देती है? तो देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष, कौन सा लेंस लगाएंगे हम, तो वो हो जाएगा आपका उत्तल लेंस लगाएंगे, ठीक है। निकट में पूछा जाएगा तो वो आपका मायोपिया, उसमें कॉन्क्लेव लगाते हैं, पूछा जा सकता है आपको। देखिए, यहाँ पे मेंशन भी किया गया, उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस है जिसका उपयोग हाइपरमेट्रोपिया के लिए किया जाता है, लंबी दृष्टि के लिए किया जाता है, जबकि मायोपिया के लिए आपका जो है कि कॉनकेव यूज किया जाता है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के लिए किस देश को मेजबानी का अधिकार दिया गया? तो वो दिया गया भारत को, ध्यान रखिएगा, भारत में होगा और इभा मैस्कट होगा। जबकि मेल पूछा जाता तो वो कहाँ पे होता? पेरू में। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चैलेंजर द्वीप महासागर का सबसे गहरा बिंदु कहाँ स्थित है, यानी वेयर इज द चैलेंजर द्वीप इज द डिपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशन लोकेटेड? तो वो कहाँ हो जाएगा? वो हो जाएगा मरियाना ट्रेंच। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपको पूछा गया, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। चैलेंजर द्वीप का महासागर का सबसे गहरा बिंदु कहाँ पे है? तो वो मरियाना। सारे मैं आपको दर्रे, जितने भी आपके आइलैंड्स हैं, रिवर है, लेक, वो सब मैं पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। सबसे गहरा बिंदु मरियाना ट्रेंच में है, प्रशांत महासागर की सतह से 7 मील नीचे स्थित है। यह महासागर से जाना जाने वाला सबसे गहरा बिंदु है, ध्यान रखिएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? वेरी इजी, किस कौन सा है संबंधित? तो दोस्तों, वो हो जाएगा आपका 368। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपको। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 367 संविधान और उसकी प्रक्रिया संशोधन करने के लिए बनाया गया, ध्यान रखिएगा। कहाँ से हमने लिया है? तो वो लिया हमने साउथ अफ्रीका से, पूछा जाता है आपको। संसदीय शब्दावली के संदर्भ में विधायी प्रक्रिया के निम्नलिखित में से किस नियम के तहत सदन के बहुमत के निर्णय द्वारा आगे बहस को समाप्त कर दिया जाता है? यानी जैसे ही मिल जाता है बहुमत, बहस को समाप्त कर दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं क्लोजर। क्या कहा जाता है? समापन, ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आप। और बुलेटिन पे बहस नहीं किया जाता, ये भी आपका एक टर्म होता है आपका, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा समापन, क्लोजर, ठीक है। कई बार पूछा गया, संसदीय बहस शब्दावली के संदर्भ में सदन के बहुमत में फैसले के आगे की बहस को रोक दिया जाता है। संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान करने की उम्र 21 बढ़ा करके 18 वर्ष कब कर दी गई? बेसिकली पूछा गया कि किस संविधान संशोधन में 21 वर्ष से घटा करके 18 कर दी गई? तो वो हो गया आपका 61वें संविधान संशोधन में। क्रेडिट किसको जाता है? तो राजीव गांधी को, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन है, कई बार आपको पूछा गया है आपको। तो देखिए, 1988 में जो है कि 61वें संविधान संशोधन में एज जो है वो 21 से घटा करके 18 कर दी गई थी, ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि कितने प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में मरे? तो ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जो है आपके लाल बहादुर शास्त्री, ये तीन है। कभी कभी राजीव गांधी में ऑप्शन देता है, आप गलत कर देते हैं, वो ध्यान रखिएगा। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा गया, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ज़्यादा समय इसमें हम नहीं लेंगे, क्योंकि ईजी क्वेश्चन है। नाबार्ड ने ग्रामीण संरचना के लिए राज्यों को नरम ऋण प्रदान करने के लिए ग्रामीण और संरचना विकास निधि की योजना किस वर्ष की थी? तो 1994 में स्टैब्लिश कब हुआ? 1982 में, ध्यान रखिएगा। और अगर पूछा जाएगा करंट में इसके हेड कौन है, तो वो हो जाएंगे जीसी चिंताला राजुलू, गोविंदा चिंताला राजुलू कौन हो जाएंगे, इसके हेड हो जाएंगे, वो भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको।
व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड फॉर्म ऑफ कॉटन नोन एज द बीटी कॉटन। कपास में जेनेटिक रूप से इंजीनियर रूप को विकसित करने का उद्देश्य बीटी कपास के रूप में जाना जाता है। तो देखिए जो बीटी कपास होते हैं इनको पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया गया, इनको कीट प्रतिरोधी बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो वो क्या हो जाएंगे, ऐसे कीट प्रतिरोधी बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा बीटी कपास जो है आपके पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाएंगे, जो कि पूछा जा सकता है। एक नंबर का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर देखिए आपको जो है कि डिस्क्राइब भी किया गया है कि अनुवांशिक रूप से संशोधित बैगन की मिट्टी के जीवाणु से क्रिस्टल पेटीन को मिला करके, जिसमें बेरिसेलियम थ्रेसिंगल के नाम से जाना जाता है, जो विभिन्न बैगन की खेती के जीनों में से प्रतिरोधक क्षमता बनाता है, इसी कपास को बीटी कपास के रूप में कीट प्रतिरोधक बना देता है। मनुष्य में हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से गैसों से संबंधित संबंध कौन सा है, तो वो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान रखिएगा हीमोग्लोबिन से सबसे अधिक संबंधित कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि ब्लड में क्या पाया जाता है, आयरन, पूछा जा सकता है आपको। हीमोग्लोबिन मनुष्य में प्रोटीन के अणुओं को कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के लिए बहुत अधिक आत्मीयता देता होती है, जिसमें कार्बोजेलिक हीमोग्लोबिन नामक स्थित जटिल अणु बन बनाता है, जो कि रंग चमकदार लाल होता है। तो ध्यान रखिएगा आपको पूछा जा सकता है। तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। एक नंबर का क्वेश्चन है ये। घटना का अध्ययन जिसे तब कम तापमान पर सामग्रियों का उत्पादन व्यवहार शामिल, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्रायोजेनिक्स। ध्यान रखिएगा क्या कहा जाता है, तो क्रायोजेनिक्स कहा जाता है। ध्यान रखिएगा द स्टडी ऑफ फिनोमेना विच इंक्लूड्स द प्रोडक्शन एंड बिहेवियर ऑफ मेटेरियल्स एट द वेरी लो टेम्परेचर इट इज कॉल्ड क्रायोजेनिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एक टर्म ऐसे पूछे ही जाएंगे आपको। दिए गए पौधों में से कौन सा ग्रीन खाद के रूप में उपयोग किया जाता है, चावल किया जाता है या सन हेम्प किया जाता है, कपास या फिर सनफ्लावर। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, सन हेम्प किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। ठीक है, तो होता है क्या, किसान उन्हें कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व प्रदान करने के लिए मिट्टी में बदल देते हैं, और इसको हरी जो कि हरी खाद होती है, सन हेम्प हरी खाद के साथ फाइबर की फसल के लिए जल्दी से उगने वाली फलेदार फसल है। ध्यान रखेगा एलपीजी के मुख्य घटक क्या हो जाएंगे, मीथेन ब्यूटेन प्रोपेन। वेरी इजी, ज्यादा समय नहीं लेंगे इस पे भाई। निम्नलिखित में भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है, मौर्य वंश। ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, इस ऑप्शंस में पूछा गया तो मौर्य वंश हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था, नंद वंश को हरा करके, घनानंद को हरा करके इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करी थी। इसरो के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो हो जाएंगे होमी जहांगीर, सॉरी विक्रम साराभाई। 1969 में इसरो की स्टैब्लिशमेंट हुई थी, कहाँ पे, बैंगलोर कर्नाटका में। कई बार पढ़ा रखा है। पहला सेटेलाइट जो लॉन्च किया गया था वो लॉन्च किया गया था आर्यभट्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करंट में पूछा जाएगा कि इसरो के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे एस सोमनाथ, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कोयले की खदानों में विस्फोट के कारण बनती है, जिसके परिणाम स्वरूप कई घातक घायल हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा मीथेन। मीथेन ही रीजन बनता है कोयले की खदानों में जो है कि विस्फोट होने का कारण। होता क्या कि मीथेन तब विस्फोट होते हैं जब जहरीली मीथेन गैस का एक निर्माण एक गर्मी के स्रोत के संपर्क में आ जाता है, जहाँ से हवा पर्याप्त या पास नहीं होती है, तो वो विस्फोट कर देता है। लैंड कंपाउंड नेटवर्क क्या फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, सबको पता है, ईजी है। आगे बढ़ जाते हैं। बिल्ली का वैज्ञानिक नेम क्या हो जाएगा, तो बिल्ली का वैज्ञानिक नेम जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फैलिस कैटस। नाजा नाजा किसका हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका सांप का हो जाएगा, कोबरा का हो जाएगा। पिसम सैटिवम पूछा जाएगा तो वो किसका हो जाएगा, पी का हो जाएगा यानी मटर का हो जाएगा। और कैनिस फेमिलियस किसका हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डॉग का। साइंटिफिक नेम मैंने पढ़ा रखा है, मैं फिर से पढ़ा दूँ, ये सारे सेक्शन ध्यान रखिएगा, स्पेशली ग्रुप डी के लिए बनाए गए हैं आपको। ठीक है, तो देखिए ये आज के क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ जितने भी क्वेश्चंस थे, ऐसी सीरीज आप चलती रहेगी, जितने भी क्वेश्चंस थे आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए, और मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।